बलरामपुर के एमएलके पीजी कॉलेज सभागार में शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय कैडेट कोर के तत्वाधान में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अपनी परंपरा और विरासत पर गर्व करें विषय पर बौद्धिक और जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निबंध लेखन भाषण प्रतियोगिता पोस्टर फोटोग्राफी में कई युवाओं ने प्रतिभाग किया। भाषण प्रतियोगिता में शिखा पांडे प्रथम व फोटोग्राफी में स्नेहा सिंह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कविता प्रतियोगिता में अंशिका साहू को प्रथम और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में सताक्षी सेन ग्रुप को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं पेंटिंग प्रतियोगिता में कोमल मिश्रा को प्रथम स्थान मिला। इन प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र छात्राओं को धनराशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम शिखा पांडे है। मैंने आज नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसमें मेरा प्रथम स्थान आया। हमारा विषय था अपनी परंपरा व विरासत पर गर्व करें, जो कि एक बहुत अच्छा विषय था जिस पर आज हम सबको आगे आकर बात करनी चाहिए। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना के अनुसार युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम युवा कल्याण विभाग द्वारा चल रहा है। उसी क्रम में नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना बलरामपुर एमएलके पीजी कॉलेज के तत्वाधान में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ कराई गई। निबंध, कविता और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतियोगिताएँ हुई, तो उनमें जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त किए, द्वितीय स्थान प्राप्त किए, उनको विभाग के द्वारा मेरे हाथों पुरस्कृत किया गया। 5,000 का उनको नगद, उनको प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया गया। उन सबके सब बच्चों को जो उन्होंने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, उनके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामना। पंच प्रण योजना के तहत आज राष्ट्रीय कैडेट कोर राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पंच प्रण के तहत आज पांच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, वीडियोग्राफी प्रतियोगिता, जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इन सबका जो मुख्य विषय रखा गया था, अपनी परंपरा और विरासत पर गर्व करें। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि युवाओं को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो हमारी परंपराएं हैं, विरासत हैं, उनको जानें, समझें और उस पर गर्व करें। खासकर जब हमारी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमें देश के देश प्रेम से जोड़ता है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक योजना के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे महाविद्यालय के, जनपद के अन्य प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मुझे उम्मीद है और बल्कि पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम उनके लिए प्रेरणादायी साबित होगा। जनपद बलरामपुर के एमएलके पीजी कॉलेज में आज युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो योजना है युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को तमाम विधाओं से जोड़ने के लिए, इस उद्देश्य के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एमएलके पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसके अलावा चार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता और इसके अलावा दो तीन प्रतियोगिताएँ और आयोजित की गई हैं। और अंतिम प्रतियोगिता जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता है, जिसके बाद जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी होंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को तमाम अन्य विधाओं से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से व शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें जोड़ा जाए। और यही उद्देश्य है कि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। सुबह से ही आयोजन चल रहे हैं और इसका समापन
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद किया जाएगा, जिसमें प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाना है। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी और सांसद प्रतिनिधि के अलावा नोडल अधिकारी राजीव रंजन तथा एमएलके पीजी कॉलेज के प्राचार्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर प्रोफेसर जेपी पांडे जी जो प्राचार्य हैं यहाँ के, उसमें सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और निश्चित है काफ़ी सराहनीय कार्य है जो इसमें जो बच्चे हैं, खासकर जो विद्यार्थी हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से छात्र छात्राओं को नई नई चीज़ें सीखने का और प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध हो रहा है।